नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे गुरुदिवस रे देशवासी को राष्ट्रपति संबोधन कहिले छात्र छात्री बहुमुखी प्रतिभा को चिन्हबारे शिक्षकों रही बड़ भूमिका ओडिसा रे दुई शिक्षकों समेत 44 शिक्षकों जातीय पुरस्कार सम्मान केन्द्र शिक्षामंत्री कहिले एकविंश शताब्दी में भारत भविष्य परिवर्तन करिवे शिक्षक दृष्टिहीन हो भी अनेकों पर साजिले मार्गदर्शक आलोकर रास्ता देखा गढ़ी मनीष कारखाना गुरुदिवस वासुदेवपुर और रेढ़ाखोल आसला दुई आदर्श शिक्षकों समर्पण कहानी पाद धोई फूल चंदन लगे गुरु को पूजिले छात्र छात्री अपराधे मंत्री संपृक्ति अभियोग छोटिया कथा सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मणि समय नष्ट प्रमिला बयान पर पीड़ित पर प्रश्न कहिले आपण छोट आम बड़ मिछ व्यस्त सत मौज बिवाद रे छंदीबा लागिछंती डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा सरकारी काम भूली मातिले पिकनिक ले धरिले डीएसएलआर कैमेरा आ उठाइले फोटो आ प्रश्न पचारे नाही देउची सेबडे गाँव सम्मान पई सोर उठाइले विद्या भारती ग्रामवासी पीपिली उपनिर्वाचन बिगुल बाजिबा परे गाँ मुहा नेता तीन प्रमुख दल आरंभ करदेले कार्यक्रम किए पिंधि मुकुट चली राजनैतिक अंक कसा रणनीति तैयारी करछंती बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस सीमा टपिला समवाय बैंक दुर्नीति पांच वर्ष में 222 कोटी टंका आत्मसात और अनियमितता केन्दुझर केन्द्रीय समवाय बैंक में 16 कोटी आत्मसात अभियोग राज्य सरकार को टार्गेट कले विरोधी किसी दिन तले राजा स्वई और भाई नाँ आसला गुरुड़ी चटिया समवाय बैंक बड़ दुर्नीतिर बड़ अभियोग महंगा डबल मर्डर घटन बाहुबली मंत्री बढ़ला अड़ुआ आईन मंत्री इस्तफा दाबी कला छात्र कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रताप जेना बहिष्कार नकले अंडामाड़ चेतावनी महंगावासी अभियोग मंत्री सुरक्षा राज्य सरकार सरकार गठन पूर्व तालिबान बाड़िया पिटा संगठन मध्य सृष्टि फाट तालिबान हकानी नेटवर्क मध्य संघर्ष तालिबान को फाउंडर मुला बरादर आहत एवं राज्य में आसंता तीन दिन प्रबल बर्ष पांच रु अधिक जिला को येलो वार्निंग जारी 22 जिले में कालबैशाखी आशंका सतर्क करेला भुवनेश्वर आंचलिक पानीपा केन्द्र गुरुदिवस रे देशवासी को राष्ट्रपति संबोधन छात्र छात्री भविष्य गढ़ा और बहुमुखी प्रतिभा चिन्हबारे गुरु रही बड़ भूमिका सेबड़े एकविंश शताब्दी में भारत भविष्य को शिक्षक परिवर्तन करिवे बोली कहिसंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह अवसर सम्मानित होता दुई ओडिया शिक्षकों शुभेच्छा जनाइछंती केन्द्रमंत्री छात्र छात्री बहुमुखी प्रतिभा को चिन्हबारे शिक्षकों रही बड़ भूमिका एथिला गुरु दिवस देशवासी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधन कोविड पाई भर्चुआल जातीय शिक्षक पुरस्कार समारोह जोग देते राष्ट्रपति एही अवसर रे शिक्षकों प्रति पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान को मन पकड़ नुआ जातीय शिक्षानीति भारत को विज्ञानर महाशक्ति भाव प्रतिष्ठा करिवोली राष्ट्रपति विद्यार्थी को एभली शिक्षा प्रदान करने दरकार जहाँ ज्ञान उपर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण में सहायक होमर शिक्षा व्यवस्था एभली होगा दरकार जहाँ विद्यार्थी मध्य सांविधानिक मूल्यबोध तथा नागरिकों पर मूल कर्तव्य प्रति निष्ठा जाग्रत कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके गुरु दिवस ओडिशार दुई जन समेत 44 जन शिक्षकों सम्मानित करिसंती राष्ट्रपति दुई ओडियांक सह समस्त गुरु को शुभेच्छा जनाइछंती केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से कहते एकविंश शताब्दी में भारत भविष्य को परिवर्तन करिवे शिक्षक गंजाम छत्रपुर अंचल उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अजित कुमार सेठी
एवं भद्रक सरकारी विद्यालय शिक्षक अशोक कुमार शतपथी को अभिनंदन जनाई धर्मेन्द्र प्रधान। से कहते स्वर्गत डी प्रकाश राव गरीबों को प्राथमिक शिक्षा देवे निजक समर्पित करते प्रत्येक व्यक्ति जीवन गढ़वे शिक्षक शिक्षयत्री भूमिका महत्वपूर्ण खासकर गुरु दिवस राष्ट्रपति अभिभाषण समस्त को प्रेरणा देव राष्ट्र द्रुत विकास जड़े शिक्षक जो भूमिका ग्रहण करती गुरुत्वपूर्ण और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी या विश्व सराय जी हमको जो दिखाए हुए मार्ग देखे गए हैं बताए हुए मार्ग देखे गए हैं उसी में अगर हम चलें शिक्षक दिवस पे 133वां जन्मदिन के अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा आगे की 25 साल दुनिया की एक नंबर की ताकत बनने की ताकत भारत की नौजवानों में है। आप में से आने वाले 25 साल के बाद कोई देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी में होगा कोई विश्व की यूएन की सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेवारी में होगा और कोई एक छोटी सी झोपड़पट्टी में भी शिक्षक बनकर फिर आगे की 25 साल का योजना बनाता होगा। एकविंश शताब्दी में भारत भाग्य परिवर्तन करने अक्लांत परिश्रम समस्त शिक्षकों को धन्यवाद जनाई केन्द्रमंत्री से हीपरी नुआ जातीय शिक्षा नीति भारत को नुआ शिखर को नेबा को संकल्पबद्ध थिबा कहिसेंति धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दृष्टिहीन होइबे अनेकों पई साजिले मार्गदर्शक आलोकर रास्ता देखाई गढ़ी मनीष कारखाना गुरुदिवस पाद धोई फूल चंदन लगे गुरु को पूजिले छात्र छात्री बासदेवपुर और रेढ़ाखोलु देखा दुई आदर्श शिक्षकों समर्पण कहानी से दृष्टिहीन हेले से अनेकों पई मार्गदर्शक पिलांकु आलोकर पथ देखाई निज उद्यम तैयारी करिसंति मनीष कारखाना एभली जने आदर्श शिक्षकों आज गुरुदिवस नमन आमे कहचु भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक लुंगा पंचायत एभली जने शिक्षकों कथा जेकि मागणारे शिक्षादान करी समस्तंकर भास्कर सार भावे परिचित प्रति विषय वस्तु को बिना कौनसी पारिश्रमिक नहीं से पिलामानंकु मन देई पाठ पढ़ाई थांती तांको पाखे पढ़ी आज अनेक पिला बड़ मनीष होइछंती किए एवे इंजीनियर तो किए डाक्तर छात्र छात्री माने सृष्टि करिछंती निजर स्वतंत्र परिचय आत्मा भितर जदि शिक्षक जाने चाहिबा मु पिला को ठीक भाबरे मन लगे पाठ पढ़मी एवं पिलामानंकु ठीक मन ज्ञान देई परिमी ताले एथिर कोनोसी व्यतिक्रम रहिबो नाही सेटा से मन भितर सेई भावटा थिबा दरकार से भाव नहीं मुझे पाठ पढ़ाए आ प्रत्येक पिला डल था कि भल उच्च मेमोरी था समस्त को मुझे एक सामान भाव देखे सार तो एमती भी बुझेदेवे बाकी आम सहजे बुझेबापी से गोटे स्लेट आड़ी साम को बुझाती आदि विज्ञान तक बुझेबार थाए आम पढ़ू कि सार बुझाती आमको आहित्य भूगोल सब आमको पढ़ाती आज गुरुदिवस निज शिक्षक भास्कर सारंक पाद धोई कुनि कुनि पिला फूल पकाई धूपदीप बुलाई बंदापना करिथिले एहापरे गुरुंक पाद छुई आशीर्वाद नेइथिले गुरुंक कथा पचारिले पिला माने कहंती भास्कर सार आम पई बहुत किछि करिछंती आम को पाठ पढ़ाई मनीष करिछंती पाठ पढ़ाइबा शैली कहिबार शैली बुझेबार शैली सतरे नियारा आज पढ़ी से जानी आउे न पढ़ी से खाली अनुभव करें कि पिला बहुत भल भल जगार अच्छा मु मो भाई कि मो बड़ भाई आम समस्ते जॉब करुचु समस्ते इंजीनियर अच्छा किसी अपा जन आम से डॉक्टर अच्छा से आउ जे शिक्षक संबलपुर जिला रेढ़ाखोल तंतगाड़ गाँव बलभद्र प्रधान बयस 75 छुईला से दृष्टिहीन और गोड़ दुईटा अचल तथापि पिला भजन कीर्तन भागवतर ज्ञान दे देखाई आलोकर पथ रेढ़ाखोल और आठमल्लिक अंचल बहुत शिष्य अच्छा भल मृदंग सह गिनी खंजणी शिखाई निजे पाठ पढ़ी नथिले भी छोट बेलु भागवत विषय बहुत ज्ञान एभली जने आदर्श गुरु को गुरुदिवस नमन हाँ छुआ आखि जो खराब है गाँव चलुली गाँव को जितेबले दस बार वर्ष है लोक बही बुहा पड़े तक पाखे जा बस शुणे शुणी टे बुझी बुझा होगा महा कष्ट थोड़ा पड़े बाबा टे विश्वस्त बोल धरी आ
ଭଗବତ ପରାୟଣ ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୟସ 75, ସିଏ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଖି 3-4 ବର୍ଷରୁ 6 ମାସରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୁରୁ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ବାସୁଦେବପୁର ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜପାଲଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ବୟାନ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର। ପରୀଙ୍କ ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୋଉଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍? ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା। ଛୋଟିଆ କଥା ନମ୍ବର ଏକ, କୁନି ପରି ପାଇଁ ମା ଆଖିର ଲୁହ, ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ। ଛୋଟିଆ କଥା ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ବି ମାମୁଲି ଘଟଣା। ଛୋଟିଆ କଥା ନମ୍ବର ତିନି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରର ଅସହାୟତା, ଛୋଟିଆ ଘଟଣା। ଛୋଟିଆ କଥା ନମ୍ବର ଚାରି, ବିହୁ ପରିବାରର ଦୁଃଖ, ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? କୋଉଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା? କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ଛୋଟ ଘଟଣା, ଆମ ଗରିବ ଘର ପିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଘଟଣା। ଗୃହର କାଳେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ? କୋଉଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍, ଏଇଆକୁ ଆଣିକି ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହର ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୃହରେ ଉଠାଇବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ପାୱାରରେ ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ? ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବସିକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇକି ସେ କେମିତି ସିବିଆଇକି ନ ଯାଉ ବୋଲି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଖସି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଛୋଟ ଘଟଣା, ସେ ସିବିଆଇକି ଜୀବନ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସିବିଆଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଛୋଟ ଘଟଣା, ହୁଏତ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଏରିଆର ପିହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛି, ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଘଟଣା? କେବଳ ପରି ପିହୁ ପରିବାର ନୁହେଁ, ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେପଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନସ ଦାସ କେସ୍ରେ ମୃତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି। ମୋ ପରିବାର ମୋ ଦଦା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ମୋ ଖୁଡ଼ି, ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ବୁଝିବ? ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଛୋଟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘଟଣା। ସରକାର କହିଲେ ଛୋଟ ଘଟଣା, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ବି ରୋଗଣା ଲୋକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସବୁ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ଘଟଣା କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଯା ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଯେହେତୁ ଭାସିଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେରାଇ ଦେବ ନା? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ? ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିଥିଲେ, ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ପରି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଉଠାଇବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଦୁଃଖ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଖବର ଜାରି ରହିବ ସମୟିକ ବ୍ରେକ୍ ର। ସରକାରୀ କାମ ଭୁଲି ମୌଜରେ ମାତିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଆଉ ଡିଏଫଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ମୌଜର ଭିଜୁଆଲ ହେଲା ଭାଇରାଲ, କେମିତି ମିଛ ବ୍ୟସ୍ତତାର ନାଟକ କରିଥିଲେ ଡିଏଫଓ ବାବୁ ତାର ହେଲା ଖୁଲାସା। ସେପଟେ ସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ,
ମିଛ ବ୍ୟସ୍ତ ସତ ମୌଜ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କ୍ୟାମେରା ଧରି କୋଣ୍ଡାହାତି ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ପିକ୍ନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଳପ୍ରପାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଯେ ଏଠି ଡିଏଫ୍ଓ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପିକ୍ନିକ୍ କରି ବୁଲିବା ପରେ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ କେମିତି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଗତକାଲି ଡିଏଫ୍ଓ ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ୍ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସିସିଟିଭି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଟୋ କିଣିବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅଟୋରେ ସୌମ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଲାଇଥିବାର କଥା କହିବା ସହ ଏକଥା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କେ କାଢ଼ିଛେ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆହୁରି କାମ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ଦରମା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେ କରୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କାଢ଼ିଛ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବିରୋଧରେ କହିଲି ସିଏ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ବା ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଫଁ ଫଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ବିବାଦକୁ କପ୍ତିପଦାରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ ସୂଚନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ପିପିଲିରେ ଜମିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜନୈତିକଙ୍କ କଥା ଘନ ଘନ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ବସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣନୀତି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର କହିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିଜେପି ସେଠି ଜିତିକି ରହିଥିଲା ଆଜି ବି ପିପିଲିରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି ଭତ୍ତା ମିଳିନି
साधारण लोकों पर रास्ताघाट भी नहीं सरकार विरोध में प्रबल जन आक्रोश रही आम सपक्ष आम सुनिश्चित विजय लाभ करजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन विजेडी कही विजु जनता दल सांगठनिक भाव तार सांगठनिक काम सारी तीन मस घुंची रुद्र महारथी लोकों सहित संपर्क अच्छा विजेपी असुविधा ना तीन तारीख फलाफल विजु जनता सपक्ष कांग्रेस विधायक सुर राउतराय कहते पीसीसी सभापति निर्देश में कर्मी कम पड़े दर वृद्धि को प्रसंग कांग्रेस जीत तो निर्वाचन कमिशनर जेहेतु प्रचार प्रसार सरी 20 तारीख रु प्रचार कार्यक्रम आरंभ करने तेनाली जनता दल तार सांगठनिक भाव समस्त प्रस्तुत सारी या भितर जो तीन मस गैप कहते ता आम जोजोग अच्छा कार्यकर्ता मान सहित संपर्क अच्छा जी प्रिय प्रार्थी रुद्र महारथी से प्रत्येक दैनिक कार्यक्रम भितर अच्छा लोकों सहित संपर्क अच्छा तेनाली भावुना विशेष किसी समस्या हम बोली आम निश्चिंत भाव में विजु जनता दल सपक्ष नवीन बाबू सपक्ष तीन तारिख दिन जो गणति हम से गणति में फलाफल शखचिन्ह सपक्ष निश्चिंत बाहर विश्वास कांग्रेस अत्यंत नगण्य स्थित अच्छी कांग्रेस जदि 4-5 हजार भोट पाइला भी सीटी बहुत बड़ कथा तेणुक्र भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल भितर लड़ई हम एवं जो सिंपाथी भोट आशा करके विजु जनता दल आरंभ कर से सिंपाथी कौन प्रश्न ना कहीं जो जदि साधारण लोकर विकास जड़े विधायक 30 वर्ष तेणुक से बाबद लोक बहुत स्पष्ट अच्छा मत भी बहुत स्पष्ट रही है भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव में पिपिली उपनिर्वाचन में विजय हम ए पोस्टर टू आरंभ करी बैनर टू आरंभ करी रैली सब बंद डोर टू डोर कैंपेनिंग 4-5 जन मु भी जीवी जेहेतु मु दल लोक दल को सम्मान दिए दल जदि खंडे मो जरिया भोट पाए मुझे जीवी से कैंडिडेट टी मो निर्वाचन मंडल ता घर थिला परिवर्तन है कि से ना पिपिले रही बाप जन जमीदार लोक भद्र लोक पुओ जड़े शिक्षित लोक लयर तेणु नुआ इंजिन की धरी आम कोईला फैला डीजेल फिजेल जदि कुआर नौ इलेक्ट्रिक करंट पूरी दबुनि बिड़ी नौ खबर जारी है समीक्षा एक ब्रेक रो स्वागत प्रताप जेना बढ़ला अड़ुआ महंगा डबल मर्डर घटन संपुक्त अभियोग में मंत्री प्रताप जेना इस्तफा दावी करछि कांग्रेस प्रताप को जदि मंत्रिमंडल बहिष्कार करा न जाए ताहले अंडामाड़ करने को चेतावनी देछि छात्र कांग्रेस सेपटे बीजेपी मंत्री बहिष्कार दावी करथुवा बेले मंत्री विरोध में महंगा प्रकाश पाई प्रतिवाद देखिबा रिपोर्ट बहिष्कार नकले अंडामाड़ मंत्री प्रताप जेना मंत्री पदर रहिबे से तदंत ठीक भाव महंगा डबल मर्डर घटन मंत्री प्रताप जेना बढ़ला अड़ुआ मंत्री प्रताप जेना इस्तफा दावी कला छात्र कांग्रेस अभियोग मंत्री प्रताप जेना निज पदवी में रही तदंत बाट बणा करेंगे पदवीर अपव्यवहार करेंगे से मंत्री प्रताप जेना जेल में भर्ती करने को दावी कर छात्र कांग्रेस एक सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार को ऊपरे बसी कांग्रेस कांग्रेस अभियोग कर आईन ता बाटर जीवा कथा कहुता बेले आईन ता बाटर जाऊना आ खोद जड़े कैबिनेट मंत्री ना एपरी अभियोग आसता बेले सरकार घंट घोड़ तेब महांगा प्रसंग में मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार बीजेपी पक्ष दावी करपरिक प्रसंग को नहीं विधानसभा हुलसुल होता प्रताप जेना मंत्री पदर रे से जे तदंत ठीक भाव बोली कारण से मंत्री पदर रे निश्चित पदर अपव्यवहार करप पकर जो जो तदंत हम से बाट बणा हम एप आज डिमांड करुचु तुरंत मंत्री प्रताप जेना मंत्री पदर बहिष्कार कराऊ एवं तुरंत तदंत करी से जो हत्या कारी कर हत्या कर दोषी कर जेल भर्ती करने डिमांड कर मंत्री प्रताप जेना थे नाँ कौन प्रकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करला नहीं से आप जो जेएमएफसी कोर्ट जो ये पुनर्व आउ थे राय देखते
एवं आईआईसी को पुनर्बार तदंत करने अर्डर कर आईआईसी सेठिकार थाना रो केमिति तदंत करिवे जणे मान्यवर आईन मंत्री को जणे आईआईसी से जते बड़े पद पदवी रे थिवे से तदंत करि पारिवे केमिति ये निश्चित भाव रे संदेहजनक कथा। सबडे महंगारे प्रताप जनक फतुआ महंगारे आतंक प्रताप को विरोध रे संगीन अभियोग हेले प्रताप को सुरक्षा रे खुद राज्य सरकार महंगा डबल मर्डर घटना रे खुद मंत्री प्रताप जनक को सानी तदंत परिसरभुक्त करिया पई निर्देश परे एबे विरोधी को टारगेट रे सरकार काहेकि मंत्रिमंडल रु मंत्री प्रताप जेना को बाहर करा जाऊ नाही बोली प्रश्न करिछंती महंगावासी। आ मंत्री महंगा रे नुआ करी घर तयारी करबा परे सेठारे असामाजिक लोक मानंकु ने आतंक सृष्टि करुछंती बोली अभियोग करिछंती। गुलामणी बराळ और दीपसिंह बराळ हत्याकांड घटन रे 13 नंबर मुदाला थिबा प्रताप जेना को काहेकि सुरक्षा दिया जाउछि बोली प्रश्न करिछंती मृत गुलामणी को पुओ रमाकांत बराळ। माननीय अदालत एबे दैछने मंत्री को विरुद्ध रे तदंत हबो जेहेतु मंत्री पदर जाना किए तदंत कर गोटे निर्वाचन मंडल तीन तीन टा थाना चार पांचटी फांडी एम आज्ञा मंत्री जी अंचल कौन डाक कौन पचारे सी कौन कहे से मंत्री ए तदंत पर निर्देश पर सी निहाती कन्सियस होगा दरकार जो गोटे अदालत गोटे राय दे तदंत सी तापर आसी ये विभिन्न प्रकार चढ़ऊ कर गोटे घर करखे अलीजोड़ा ग्राम से सी डाक हजार हजार कर्मी डाक सब उकौंटे तुम कर ये जिनस जहाँ मुझे बुझी एवं से सन्धार पुलिस प्रोटेक्शन नहीं छाड़ू तुम तदंत कौन हम जेपर्यंत मंत्री पदर जाता कौन सी तदंत कले भी कौन अफसर किसी कुलमणी बराल दिव्यसिंह बराल ये कुलमणी बराल जी गाँव में आम महांगा थाना जी उपकार कर लोक मैंने भी भावुवे मर्डर कराला आम तो भयभीत हो रही से मंत्री जदि रक्षक हो भक्षक हे सरकार से कथा बुझे आम कौन करूँ से कथा जेपर्यंत प्रताप जेना मंत्रिमंडल बहिष्कार न करपर्यंत आम जानबूज ये सरकार न्याय किसी करूना से सब अन्याय अनीति दुर्नीति विरुद्ध जो मैंने पार्टी करते आज डबल मर्डर घटना आज पगड़बाब होती आज दीपसिंह बराल होती विकास जेना केस तेर बार 2018 मसीह से ही भाव में जो मैंने पगड़बाबू दीपसिंह बराल हत्या करते से मुख्य दायित्व थे से विकास जेना को हत्या कर आम चाहूँ विकास जेना हत्याकांड तदंत ठीक निरपेक्ष भाव में होता पर न्याय मिलू कुलमणी बराल और दीपसिंह बराल को न्याय मिलू। प्रताप बाबू का पूर्वर जिते मंत्री थे कि एमएल थे विधायक विक्रम वर्मा हूँ शरत कर हूँ शेख मतुल अली हूँ प्रदीप दास हूँ इमान को अमल केत मर्डर होता केोक जनहत्या होता है नैतिकता दृष्टि जदि आठ मास धरी पल्लू दिल्ली पर्यटन एक कथ उठिला सी इस्तफा देवा कथा जदि इस्तफा नदे ये जो कुंभकर्ण निद्रा शोचार आम मुख्यमंत्री सी कौन जापार ना कर्णगोचर हो 2021 महांगा डबल मर्डर घटना केवल नुहे 2014 और 2018 मसीह महांगे घटी हत्याकांड घटन मंत्री प्रताप जेना संप्रति नहीं आसी अभियोग हेले सब घटना जपरी ढंग से तदंत करता ताऊनवा बेले बिवाद रही खुद महांगा पुलिस आउ ए मंत्री नाँ अभोग तदंतर सम्मुखीन हे प्रताप जेना ताऊपर रही समस्त नजर कटकु इमरान खान भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट आर्गस न्यूज। राज्य में चाषी आर्थिक मानदंड विकास पर 1962 अणा समवाय आईन एवं दिगर हो पड़ी समवाय बैंक दुर्नीति एवं सीमा टपी दुर्नीति बैंक में परिणत हो सारा चाषी नाम से कृषि प्राथमिक समवाय समिति और समवाय बैंक जरिए अर्थ आत्मसात मालेमाल होती जंत्री आउ मंत्री भात हाँ गोटे भात चिपे भाई समवाय बैंक इतिहास मात्र 5 वर्ष जी अर्थ आत्मसात अनियमितता हिसाब जनाई आश्चर्य करदेव। समवाय बैंक ना दुर्नीति बैंक 5 वर्ष रे 221 कोटी टंका आत्मसात विभाग रे चली राजांक राज सबु सीमा टपिलानी समवाय विभाग थरे भल करी नजर पकांतु राज्य सरकार को तथ्य उपरे सरकार को समवाय विभाग तथ्य कहुची केवल 5 वर्ष मध्य राज्य रे 26 टी मंडल रे पाखापाखी 221 कोटी टंकार अर्थ आत्मसात और अनियमितता होईची जोथे सर्वाधिक ब्रह्मपुर पारला खेमुड़ी समवाय सहरांचल बैंक रे 2015 मार्च सुधा 126 कोटी टंकार अर्थ आत्मसात होई जिला आरक्षी अधीक्षक मामला रुजु करिसंती 5 वर्ष भितर मामला शेष हो पारिना सेपरि बलांगीर डीसीसीबी एक कोटी 47,59,034 टंकार अनियमितता
कटक सहरांचल समवाय बैंक रे 23.86 कोटी आत्मसात। सुंदरगढ़ जिला केन्द्रीय समवाय बैंक रे 1,92,91,151 टंका। कटक स्थित सहरांचल समवाय बैंक लिमिटेड रे 2,55,84,746 टंका। केन्द्रीय केन्द्रीय समवाय बैंक रे 16,27,28,787 टंका। बांकी सीसीबी लिमिटेड रे 8,90,73,049 टंका। ब्रह्मपुर सहरांचल समवाय बैंक लिमिटेड रे 3,87,22,913 टंकार अर्थ आत्मसात होईछि, जहाँ को नहीं सरकार को टार्गेट करिछन्ति विरोधी। गंजाम जिल्लारे परे मुख्य परा मुख्यमंत्री नवीन बाबू कर जिल्ला जो जिल्ला को स्वच्छ जिल्लार डिमडिमि पिटुछंती। गंजाम जिल्लारे 120 कोटी टंकार चून लगे दिले सेवा समवाय समिति अधिकारी माने एवं पैसा चासिंग कर लूट करके नहीं गले। आज पर्यंत एक्शन है रणेन्द्र प्रताप स्वईं जे मंत्री अच्छा निज सेवा समवाय सोसाइटी निज भाई सेवा समवाय सोसाइटर सभापति अच्छा सेठी आपणकर गुरुडी झड़िया चाषी पैसा लुट हो गला। चाषी विधानसभा को आसिक आत्महत्या उद्यम कले एवं मात्र नाम को मात्र 4 जन को गिरफ्त करके नहीं गले। किंतु जो मैंने प्रकृत इसे संपृक्त अच्छा मंत्री भाई अरेस्ट होगा कथा से जो पैसा लुटिक खाई विरुद्ध एक्शन है ना जदि आईन ता बाटर जीव तेल 222 कोटी टंका गरीब चाषी जो लुट होती से पैसा बाहर करूँ चाषी को फेरस्त करूँ जो जो अधिकारी मैंने से रणेन्द्र प्रताप स्वई मंत्री भाई हूँ कि जी हूँ विरुद्ध में दृढ़ पदक्षेप नाप भारतीय जनता पार्टी दावी करोपरेसन करपसन बुड़ जा बैंक सोसाइटी अति जहाँ को कहा जाए दुर्नीति भर बुड़ जा रोटे संशोधन दरकार टोटल रैंडम गोटे परिवर्तन दरकार कोपरेसन स्थित राज्य में किसी लोक काम सेपटे एने विभाग पक्षर कहु किसी अधिकारी और कर्मचारियों विरोध में रेस्पन्सिबिलिटी फिक्स कर मामला रुजु कर उत्कल समवाय बैंक भुवनेश्वर में 92,470 टंका और नारला समवाय केन्द्रीय समिति बैंक में 3,98,740 टंकार मामला रद्द हो जा विभाग पक्षर दर्शाई मात्र एने विभाग मंत्री प्रतिक्रिया मिल पारिना जे ए विभाग में दुर्नीति की भ्रष्टाचार को सबु विधायक माने समस्त सरकारी दल आकु चपे के रखुच यही सकाशे कारण ये गोटे राजनैतिक पशापाली हो जो मानकु नजर जो मानकु कैद कर रखी जो मानकु नियंत्रण रखिकी भोट संग्रह गोटे माध्यम होमें कह दान नबु कहार दान न नबु किपर नबु क्या ऋण न दबु एवं इटा ये जालियाती कारबार चली सबु जगार जे देखिए ना स्थानीय सरकारी दल विधायक मैंने आपको प्रश्न देते कहीं साय कर प्रकृत में क्षतिग्रस्त होती चाषी मानी साधारण लोक मैंने किद ते विभाग मंत्री निज निर्वाचन मंडल गुरुडी झाटिया समवाय बैंक में बड़ दुर्नीतिर अभोग आद मंत्री भाई ना आसला संपुक्ति अभोग। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव कसा प्रदीप महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। उत्तर और पूर्व केन्द्र बंगोपसगर घूर्णिवलय आसंता 24 घंटा लघुचाप रूप नेबार संभावना रही है। प्रभाव में उपकूल और आभ्यंतर ओडिशार विभिन्न स्थान में बर्षार संभावना रही। प्रबल वर्षापी 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करणिपाग केन्द्र। मलकानगि कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम पूरी जिला येलो वार्निंग जारी होती। लघुचाप प्रभाव में 6 और 7 तारीख में बर्षार परिमाण बढ़ाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दीजिए। एथसत दक्षिण ओडिशार पवन बेग 40 रु 50 किलोमीटर रही आशंका सृष्टि होती। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को न जीवा पई बारण करा जाय छी। समय छी बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।